चलिए तो शुरू करते हैं नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर जो है बीजगणित। और बीजगणित में एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले और तीन चर वाले, तीन बहुपदीय और शून्य बहुपद को हम एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय और उनके गुणनखंड करना सीखेंगे आज। तो बीजगणित का ये 20 नंबर का अंक का होता है, जिसमें दो चैप्टर है, रैखिक समीकरण है और एक बहुपद गुणनखंड है। तो हम पहले आज बहुपद और बहुपद के गुणनखंड की बात करेंगे। तो बीजगणित में सबसे पहले आता है बहुपद। बहुपद का मतलब है कि अगर आप देखें तो ये एक, अगर हम करें तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये चर पद कहलाते हैं, ये कौन से पद है, चार पद है। और यदि हम तीन रखें तो तीन की वैल्यू तीन ही रहेगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो मानी जाती है तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन तीन की वैल्यू तीन रहेगी, चार की वैल्यू चार रहेगी, सात की वैल्यू सात रहेगी, आठ की वैल्यू आठ रहेगी। इसे हम बोलते हैं अचर पद, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं बदलती है और चर पद की वैल्यू हमेशा बदलती है। अब आप सोचेंगे मैंने ये गमछा क्यों डाल रखा है, ये इसलिए डाल रखा है कि छींक आने पर और इस तरह की परिस्थितियों में हमें ये काम आ जाए। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, गमछा या रुमाल और मास्क बाहर आप जाते हैं, और ग्लव्स भी होने चाहिए आपके पास में, मेरे पास में है, मैं रखता हूं अपने पास में। चलिए आगे भी बात करते हैं, बीच बीच में हम इन सब बातों को भी करते रहना चाहिए। यदि उदाहरण के तौर पर हम देखें, अगर हम ये कहें कि एक्स स्क्वायर, तो ये एक एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये एक पद ये है, टर्म्स कहलाती है, दो पद है ये, एक्स स्क्वायर ये एक पद है, ठीक है, या थ्री एक्स कह दें तो ये भी एक पद है। अगर हम ये कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये द्विपदी है, और यदि हम कहें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये त्रिपदीय है। तो ये इसमें तीन पद है, इसमें दो पद है, इसमें एक पद है। तो एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, इस प्रकार से हम तीन पदीय बहुपदों की बात हम करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अचर शब्द, यानी कि अचर शब्द नहीं है, यानी कि अचर वाला दो अंक वाला शब्द नहीं है, तब ऐसे में आप इसे कौन सा शून्य बहुपद बोलते हैं। कैसे होगा ये, मान लिया सपोज करिए 4x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये शून्य बहुपद कहलाता है, इसमें जीरो वाला अचर वाला पद नहीं है, तो ये कहलाएगा शून्य बहुपद। कौन सा पद कहलाएगा, ये शून्य बहुपद कहलाएगा, तो इसे कहेंगे शून्य बहुपद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शून्य बहुपद कहलाएगा। चलिए अब आप हम इस पर सवालों को लेते हैं और करते हैं। कैसे करेंगे हम सवालों को, कोई एक क्लास ले लेंगे हम, और क्लास में हम उसको बात कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर पहला चैप्टर अगर हम ले हैं, तो पहला चैप्टर ले लेते हैं। चलिए पहले चैप्टर में एक सवाल है, इस कैमरे को कोई बात नहीं है, पहले चैप्टर में कोई एक सवाल ले ले। सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है, कम से कम एक चर पद होना चाहिए, चर पद की वैल्यू ये है। तो एक चर बहुपद कौन कौन से कम व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है, तो एक चर बहुपद हम कह सकते हैं जैसे y स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू है ना, तो कम से कम एक चर है, और अंडर रूट थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू, और ये y प्लस टू अपन y, तो इस प्रकार से कम एक चर है इनमें, इनमें एक चर है, क्योंकि टी टी है इसमें, तो एक ही चर है, इसमें वाई है, इसमें वाई है, तो ये एक चर बहुपद है, ये सभी एक चर बहुपद हैं इसमें। लेकिन अगर एक चर बहुपद नहीं है तो एक्स की घात 10 प्लस वाई की घात 3 प्लस टी की घात 50, इसमें एक्स है
एक चर वाई है, इसमें टी है। तो इस प्रकार से तीन अलग अलग चर पद है। तो इस प्रकार से हम इन तीनों पदों को एक चर नहीं कहा जा सकता, ये सब एक चर बहुपद कहलाएंगे और ये एक चर बहुपद नहीं है, ये तीन अलग अलग चर पद है। तो इस प्रकार से इन तीनों को अलग अलग रखा जाएगा। तो अब आप इसको भी पहचान सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी बात करें और ले लें इसमें इसको समस्या को कर सकते हैं हल। कोई एक सवाल हम ले लें, ये पहली क्लास का हो गया चर बहुपद, आपको मैंने समझा ही दिया। इसके अलावा हम दूसरा लेंगे, मैं चाहूंगा दूसरा अगर हम पाठ में से देखें तो इसमें कहा है 2.2 का कोई एक सवाल ले लेते हैं। दूसरी क्लास का स्वत्यापित कीजिए, निम्नलिखित सत्यों में संगत बहुत शून्य है, बहुपद के मान क्या होंगे। चलिए ये प्रश्नावली दूसरे का, इसमें 2.1 का पहला सवाल हम ले लेते हैं। इसमें पहले सवाल में है 5x-4x² + 3, ये एक बहुपद है और इस बहुपद में अगर x बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इन सब में x की मान रख देंगे, 5×0-4×0^2 + 3 बराबर 5×0, 0 - 0^2 = 0 और गुणा 4 तो -0 + 3। तो ये सब 0 हो गया, प्लस 3 बचा तो बराबर हो गया 3। तो इसका वैल्यू आ गई 3। अगर x का मान x बराबर -1 है तब इसमें क्या होगा, तब होगा 5x-4x² + 3। तो 5x में हम क्या करेंगे, x की जगह पर इन x की जगह पर -1 को वैल्यू रख देंगे, 5-1-4-1^2 + 3 बराबर। अब क्या करेंगे, हर बार अगला जो लाइन स्टेप दिखेंगे उसमें बराबर का चिन्ह जरूर लगाते जाएं। 5 × 5 तो -5 हो गया, -+ हो गया, 1 और -4 तो -4 हो गए, +3 हो गया। तो इस प्रकार से कितना हो गया, अगर आप देखें -5 और -4 कितना हो गया, -9 है ना, और ये प्लस के कितने हैं, 3 है। तो प्लस के 3 है, माइनस के 9 है, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, लेकिन 6 बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो इसलिए -6 इसका आंसर आएगा। एक्स बराबर 0 रखने पर आंसर 3 आया, एक्स बराबर -1 रखने पर आंसर -6 आया। तब इस प्रकार से आप इन गुणन खंडों को आप बहुपद के हल कर सकते हैं। तीसरी प्रश्नावली की बात करें, एक सवाल और ले ले उदाहरण के तौर पर तो आपको और आसानी हो जाएगी और फिर आपको समझ में आसान हो जाएगा। एक प्रश्नावली 3 का और सवाल ले ले क्योंकि अगले हफ्ते तक ये चैप्टर आपको बहुपद वाला समाप्त करना होगा। 2.3 का ले ले, बहुत मजेदार है, कुछ नहीं है इसमें लिखा है। 2.3 का पहला सवाल, मैं ये तीनों एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी है ताकि आप इनको हल कर सके। उदाहरण के तौर पर एक सवाल ले ले, x³ + 3x² + 3x + 1, इसको भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। किससे भाग देना है, जो चार तरीके दिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर इसे x+1 से भाग दे लेते हैं। x+1 से अगर हम इसे भाग देते तो आप देखिए x³ है, ये +3x² है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसे x² से भाग दें तो ये आ सकता है। चलिए x² से सबसे पहले भाग देते हैं यानी गुणा करें इसे। अब x² का गुणा 1 में हुआ तो यहाँ हो गया x² + x² के साथ करेंगे तो ये हो गया x³। इसको हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर x³ कट जाएगा, 3x² में से 1x² चला गया तो ये बचा 2x². अब आगे बचता है +3x + 1, तो 3x को कर लें तो इसमें देखेंगे आप 2x² और 3x² है। तो आप यहाँ पर आप 2 से या 3 से कोई ऐसी संख्या से भाग देंगे
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर है इस तरीके से भाग दें कि इस तरह एक एक्स स्क्वायर आ जाए, यानी कि एक तो एक्स लेंगे और प्लस संख्या कौन सी लेंगे, आप दो भी ले सकते हैं। तो अब आप इसमें लेंगे प्लस 2x से भाग दें, चलो 2x से x को भाग दिया तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x का 1 से भाग दिया तो 2x हो गया। अब इसे माइनस कर दें, ये कट गया आपका, 3x में से 2x गए तो आपका बचा 1x और ये बाद में उतार लेंगे प्लस 1। तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 1 और x प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 1 कर देंगे और x प्लस 1 से यहाँ x प्लस 1 आ गया बराबर 0, यानी कि शेष फल शून्य है आपका। इस प्रकार से आपका बहुपद देने पर शेष फल 0 आया अगर हम x प्लस 1 से इसको भाग देते हैं, और भागफल क्या आया आपका, ये आपका ये आया। इस प्रकार से तीनों एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी, जो सवाल समझ में ना आए उसको आप पूछ सकते हैं। आपको अपनी कॉपी पर ये सवाल हल करने हैं, उसके अलावा आपको एक चर, द्विचर, एक चर बहुपद, द्विचर बहुपद, त्रिचर बहुपद, शून्य बहुपद, ये परिभाषाएं भी आपको लिखनी है सवाल को हल करने से पहले। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। थैंक यू। और कोई समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, निसंकोच हम आपके साथ हैं।